6 माह बाद खुले बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। वहीं मंदिर प्रशासन ने कोविड-19 के चलते पूरी तैयारियां की हैं। मंदिर परिसर में हाथों को सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगाई हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि बाबा बालकनाथ मंदिर में जहां चबूतरे से महिलाएं ही बाबा जी की पिंडी के दर्शन करती थी, वहीं से अब कोरोना महामारी के चलते पुरुष भी वहीं से ही बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए इस तरह उचित सामाजिक दूरी के अलावा बीमारी से बचाव के लिए थर्मल स्क्रीनिंग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही मंदिर में श्रद्धालु 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा सकते हैं। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को लाइन में लगने के साथ निर्धारित सर्कल के अंदर ही आवाजाही करने के लिए भी एक स्थान तय किया गया है। हालांकि मंदिर में रोट इत्यादि प्रसाद ले जाने के लिए पूर्णता मनाही है, लेकिन अगर कोई श्रद्धालु और रोट को मंदिर में चढ़ा नहीं सकता है लेकिन दूर से अरदास कर सकता है। वहीं इतिहास में पहली बार बाबा बालकनाथ मंदिर में महिलाओं को बनाए गए चबूतरे से ही पुरुष भी बाबा की गुफा का दर्शन करेंगे, जो कि करीब 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा मंदिर के अंदर करीब 10 से 15 मिनट के भीतर श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर भेजा जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं का थर्मल स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जा रही है। वहीं मंदिर परिसर में माथा टेकने के लिए पहले दिन पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि काफी समय से बाबा बालकनाथ मंदिर में आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आज पता लगा कि मंदिर खुल गए हैं तो माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन के द्वारा मंदिर में की गई सभी व्यवस्थाओं को सही ठहराया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह बिल्कुल चबूतरे से दर्शन किया हमने, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, लोग भी आए, अच्छी बात है, पर थोड़ा प्रसाद का भी थोड़ा हो जाए लोगों को, क्योंकि जो मत्था टेकने के लिए आएगा तो उसको कुछ ना कुछ नहीं देना चाहिए, तो ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ सरकार करे जल्दी से जल्दी। सर बताएंगे कि मंदिर में जो कोरोना बीमारी उससे बचाव के लिए पूरी तरह से यहाँ से तैयारी की हुई है? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका, ठीक लगा, डिस्टेंस पूरा है, एंट्री हो रही, चेक हो रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही, हर चीज़ ठीक है, बिल्कुल, इसलिए सैनिटाइज की व्यवस्था है, साबुन रखे हुए हैं हाथ धोने के लिए है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह प्रॉपर तरीके से हो रहा है, पुलिस अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक ढंग से कर रही है, ठीक है। जी मंदिर देखो 6 महीने हो गए, नीचे ही बता रहे हैं वो कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया बंद है, हमारा व्यापार भी बंद है, श्रद्धालुओं को भी मुश्किल हो रही है, पूरा मेले का टाइम निकल गया, इसमें बीमारी ऐसी है कि सबके काम भी बंद है, हर चीज़ बंद हो गई है, मतलब सिर्फ मेडिकल को छोड़ के, मेडिकल भी चल रहा है वो भी रिस्क पर ही चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये कोरोना की बीमारी ख़त्म हो और मतलब सारा जो है स्टेबल हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए फिर से, यही मतलब है। मंदिर में आए आज आप, क्या लगा यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए कितना एहतियात है? जी नीचे सैनिटाइज करवा रहे हैं, मतलब हाथ वगैरह सैनिटाइज करवा रहे हैं, फीवर वगैरह चेक कर रहे हैं प्रॉपरली, पुलिस भी ध्यान रख रही है पूरा कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का, अपना अपना सारे ध्यान रख रहे हैं। वही पंजाब के मलेरकोटला से आए हुए दो श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 6 महीने से बाबा बालकनाथ मंदिर के दरबार में माथा टेकने के लिए आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने अरदास करते हुए कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर कोरोना महामारी से विश्व को छुटकारा दिलाएंगे। कुछ नहीं, पहले तो कोरोना करके जी महामारी से सब कुछ बंद सेगा, तो कल सानू पता लगा है कि बाबा जी दर्शन खुल जाने, तो असं पंजाब तो आए हैं जी, तो दर्शन कर जा रहे हूँ, बाकी बाबा जी मेहर करन, जो भी चल रहा है जल्द तो जल्द ठीक होवे, ते लोग अपने अपने कामों कार लग सकन, बस यही कहना। मंदिर प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई आपका थर्मल स्कैनिंग वगैरह? हाँ जी बहुत वधिया तैयारियां की गई, एक तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हुआ, सैनिटाइज प्रॉपर आ, ठीक है, टैंपरेचर चैक कर रहे हैं, बाकी पुलिस प्रशासन भी बहुत वधिया काम कर रहा है, सब बहुत वधिया काम है सब कुछ। मैं बस बाबा जी से ये अरदास करता हूँ कि बाबा जो घोर संकट इस संसार पर चला हुआ है, कृपा से जल्दी संकट को दूर करो, अपने पावन दर्शन सबको देते रहें, सबके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, जय कारा पौना हर बोल साचे दरबार की जय। मंदिर प्रशासन द्वारा क्या पूरी व्यवस्था की गई, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए या? जी नहीं ठीक है, जो सरकार कर रही है हम उसके साथ हैं, उनसे उनके कार्य से हम खुश हैं और सरकार का प्रयास वो करेंगे, सरकार जल्दी से जल्दी इस संकट से उबारने के लिए सबको साथ। मैं बहुत खुशी है क्योंकि लोगों की बड़ी अरदास है, लोगों ने कई दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि आज खुलेगा कल खुलेगा, लोगों ने जो फसल काटते हैं उसके बाद सबसे पहले बाबा जी के जो वहाँ से निसरावा चढ़ाते हैं उसके लिए सबकी इच्छा थी, आज खुला, हमें बड़ी खुशी है और मंदिर ने इतना प्रबंध किया है प्रशासन ने, आप देख लें, आप जगह जगह जाएँ देखें, स्प्रे हो रही है, पूरी सफाई का ध्यान रखा है और कई लोगों की जैसे श्रद्धालुओं की कई दिन से इच्छा थी वो आ रहे हैं,
आप पंजाब से भी आज आए सुबह और बड़ी खुशी है। भी बाबा बालकनाथ मंदिर दियोरशित के ट्रस्टी ने बताया कि मंदिर में ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए काम किया गया है। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। जो हमारे यहाँ के हिमाचल प्रदेश में जो मतलब आ रहे हैं बाहर से श्रद्धालु अभी नहीं आ रहे, तो प्रशासन की तरफ से हमने काफ़ी तैयारी कर रखी है मंदिर में, सैनिटाइज वगैरह पूरा प्रबंध है यहाँ पर, और जो भी श्रद्धालु बाजार से आ रहे हैं उसकी वहाँ से स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहे हैं और वहाँ से श्रद्धालु सैनिटाइज होकर ऊपर आ रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ी मान्यता है कि पुरुष भी जो है इस बड़ी महिला की जो महिलाएं माथा टेकती थी चबूतरे से वहाँ से कर रहे दर्शन, तो इस वक्त सरकार की तरफ से निर्देश है जो गर्भगृह है उसमें प्रवेश से वर्जित है कोरोना के टाइम में, तो हमने चबूतरा जो जहाँ महिला दर्शन करती थी वहाँ से महिला भी दर्शन कर रही हैं और पुरुष भी लाइन बराबर दर्शन कर रहे हैं कोरोना के समय बाद, जब गाइडलाइन आएगी तो उसके बाद अगला निर्णय होगा। सर, बाबा जी का रूट बहुत ही मानता है, हाँ इस बार क्या रहेगा? इस बार ऐसा है जो रूट प्रसाद तो नहीं बांट सकते हैं, सरकार की गाइडलाइन है, तो केवल यहाँ पर प्रसाद में श्रद्धा के ऐसे चढ़ाया जाएगा, बाकी अपने घर को प्रसाद ले जा सकते हैं लेकिन यहाँ ना बांटा जाएगा ना चढ़ाया जाएगा।